तरफ एलएसी पर चीन के साथ तनाव की स्थिति, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। खैर, हिंदुस्तानी सुरक्षा बलों के लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन से अब आतंकियों की भी खैर नहीं है, उनमें खौफ है। जो आतंकी भारत की सीमाओं में घुसे हुए हैं वो बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि लगातार ऑपरेशंस चलाकर उनकी लगाम कसी जा रही है। और दूसरी तरफ जो सीमा पार हैं उनके सारे मंसूबे फेल कर दिए गए हैं। ताजा खबर यह है कि दक्षिण कश्मीर में भी 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है और उनके साथ साथ हथियारों का जखीरा भी पकड़ा गया है। सुरक्षा बलों की निशाने पर आतंकी, पीओके से हथियार भेजते दहशतगर्द, टेररिस्ट का जहन्नुम सांस पर जारी। 16 घंटों में 4 दहशतगर्द ढेर। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों का कहर दहशतगर्दों पर जारी है। पिछले 16 घंटों में सिक्योरिटी फोर्सेस के अग्रेसिव एनकाउंटर ने जैश ए मोहम्मद के 4 टेररिस्ट को 72 हूरों के पास भेज दिया है। सीमा पार से अपने आकाओं के इशारे पर जम्मू कश्मीर की जमीन पर अशांति और दहशतगर्दी के मंसूबों को अंजाम देने की साजिश में लगे आतंकियों को मौत के घाट उतारने का सिलसिला जारी है। घाटी में सुरक्षा बलों ने 2 इलाकों में एनकाउंटर किया। कुलगाम और पुलवामा के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर को अंजाम दिया, जिसमें कुल 4 आतंकी मारे गए। कुलगाम में हुए एनकाउंटर में आतंकियों के पास से हथियारों का ये जखीरा बरामद हुआ। अपनी आतंकी गतिविधियों के लिए टेररिस्ट ने एक पवित्र मस्जिद को चुना था। आतंकियों ने इसी मस्जिद से सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिसका जवाब देश के शूरवीरों ने दिया और जल्द ही आतंकियों का सफाया कर दिया। कुलगाम एनकाउंटर में जैश के 2 आतंकी ढेर हुए। आतंकियों में एक लोकल और दूसरा पाकिस्तानी है। इसी तरह पुलवामा में दोपहर करीब 3:30 बजे दादुरा गांव में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इनके पास से 2 AK-47 राइफल और दूसरे हथियार बरामद हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के अग्रेसिव रुख ने दहशतगर्दों की हालत खराब कर रखी है। आप जरा सीमा पर चौकसी की तस्वीरों को देखिए। ये पीओके और भारतीय सीमा की तस्वीर है। बीच में किशन गंगा नदी बह रही है। इसके एक तरफ भारत का हिस्सा है तो दूसरी तरफ पीओके का। आप जरा इंफ्रारेड कैमरे की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। नदी के उस पार कुछ हलचल है जो एक सर्किल में दिख रही है। दरअसल ये आतंकी हैं। सीमा पार से ये आतंकी अपने दहशतगर्द दोस्तों के लिए हथियार नदी के रास्ते भेज रहे हैं। लेकिन जैसे ही सुरक्षा बलों के कैमरे में ये दहशतगर्द कैद हुए, एक्शन शुरू हो गया। पलक झपकते भारतीय सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया और फिर ये मिला। इलाके से 4 AK-47 राइफल, 8 मैगजीन और 230 बुलेट्स बरामद की गई हैं। चाहे पीओके हो या एलएसी, भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी दुश्मन के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस से लेकर सीआरपीएफ और आर्मी का घाटी में अमन के दुश्मनों को नर्क में भेजने का सिलसिला जारी है। खालिद हुसैन, सी मीडिया, जम्मू कश्मीर। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।